ओम शांति। आज आपका 157वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इस वरदान में आज परमपिता परमात्मा में क्या कहते हैं उसको जानने से पहले आप इस ऊपर दिखाए हुए लिंक में जा करके योग आसन और साथ में फिटनेस और स्लीप, सोने की विधि और खान पान की विधि के बारे में जान सकते हैं। तो इस पर क्लिक करिए और आगे के जो वीडियोज़ हैं वो सारे देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आज परमपिता परमात्मा इस वरदान में कहते क्या हैं। बाबा चाहते हैं कि हम धर्म और कर्म को एक साथ मिला करके करें, ताकि हमारे जो भी कर्म हो वो धर्म अनुसार हो। अब हम दुनिया में तो धर्म को अलग कर देते हैं और कर्म को हम अलग कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जो पहनावा हमारे धर्म ने बताया है वो पहन लिया, अगर मैंने टीका लगा लिया, बिंदी लगा ली, सिंदूर लगा लिया, या मैंने कुफी पहन ली ऊपर सर पे, या मैंने अगर माला पहन ली, या मैंने क्रॉस लगा लिया अपने गर्दन में उसको लटका दिया, तो मैं धार्मिक हो गया। या मैं अगर चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर गया तो मैं धार्मिक हो गया। बस वहां से निकले और चेंज हो गए। तो धर्म हमने वहीं पे छोड़ दिया, मंदिरों में, गुरुद्वारों में और चर्च में, और कर्म करने जब शुरू करे तब उस समय हमने सोचा चलो वो तो हमने कर ही लिया धर्म, तो अब कर्म भी जो अपने इच्छा अनुसार करें तो करें। परमात्मा कहते हैं वैसे किए हुए कर्म धार्मिक कर्म नहीं होते हैं। तो इसको आज देखें परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले, दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। तो परमात्मा की डिक्शनरी में जो धर्म और कर्म, कर्म करते हुए जो धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते वो बुद्धिवान नहीं हुए, तो उनके द्वारा तो पाप ही हो रहे होंगे, है कि नहीं। तो देखें बाबा विस्तार में कहते क्या है। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कुछ, कर रहे कुछ हैं। आपने कर्म करते हुए क्रोध करते हुए कर्म किया, या कर्म करते हुए ईर्ष्या करते हुए कर्म किया, या कर्म करते हुए घृणा करते हुए कर्म किया, या कर्म करते हुए आपने ऊंच नीच की बातें करते हुए कर्म किया, या कर्म करते हुए आपने किसी के अंदर में बुराइयां देख करके कर्म किया, किसी की बुराइयां फैलाते हुए कर्म किया, या किसी को देखते हुए उसको नुकसान पहुंचाते हुए कर्म किया, तो वो धर्म नहीं है। उसके बाद में आप चाहे जितना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चाहे चर्च, जितना पूजा पाठ कर ले, कोई फायदा नहीं है उसका। परमात्मा कहते हैं वो तो धर्म नहीं है, वो तो तुमने धारण, बाहर का रूप धारण किया है, लेकिन अंदर से धार्मिक आत्मा बने हो कि नहीं बने हो वो जरूरी है। अंदर से आप सच्ची आत्मा, साफ आत्मा हो कि नहीं हो, किसके सामने, इंसान के सामने नहीं, सिर्फ परमात्मा के सामने हो जाएंगे तो इंसान के सामने भी बन जाएंगे। तो उसको कहते हैं धार्मिक आत्मा, जिसने धारण किए हुए हैं। क्या क्या गुण धारण किए हुए हों, उसके अंदर सत्यता हो, उसके अंदर पवित्रता हो, सहनशीलता हो, मधुरता हो, ये सारे जो गुण हैं जिनकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है उनको आप देखें, 36 गुण। जो 36 गुण हैं वो अगर आपके अंदर आस्ते भरते जा रहे हैं तो आप धार्मिक कर्म कर पा रहे हो। नहीं तो सिर्फ पूजा पाठ करना, जप तप करना, नेम करना, नाम जपना, उससे कोई फायदा नहीं। परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा कहते हैं जब तक तो तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर धारणा ही नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो तुम्हारे कर्म भी धर्म अनुसार नहीं होंगे। तो आगे चलें। बाबा कहते हैं और ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। अरे कर्म तो कर लिया लेकिन उस समय मैंने डर के कर्म किया, उस समय मैंने ईर्ष्या में के कर्म किया, अरे ये क्या कर दिया। ऐसे ना हो कि मैंने तो भूल ही लिया कि मेरे को उस समय अहंकार नहीं दिखाना चाहिए था, मैं पन्नी होना चाहिए था, मैं ही ठीक, मेरा ही आइडिया ठीक, मैं जो बोलूँ वैसे ही हो, ये फिर कर्म आपकी धारणा अनुसार नहीं हो रहा है। परमात्मा कहते हैं, फिर पापा कहते हैं बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान, तब आपको दिव्य बुद्धिमान कहेंगे। परमात्मा कहते हैं मैं आत्मा को देखता हूँ, मैं शरीर की उम्र से नहीं कहता कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, कि आपके अंदर बहुत बुद्धि है, नहीं। वो ठीक है दुनियावी एक्सपीरियंस होंगे लेकिन आध्यात्म की लाइन में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप दुनिया में, इस दुनिया में सर्वाइव तो कर लेंगे लेकिन आप श्रेष्ठ और दिव्यता के आधार पर आप आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। दुनिया के सामने आप स्मार्ट होंगे लेकिन परमात्मा की नज़र में आप बुद्धिवान और दिव्य नहीं होंगे। तो हमें क्या चाहिए, दुनिया की नज़र में हम स्मार्ट दिखें, दुनिया को प्रूव करें कि हम स्मार्ट हैं आपसे, कि परमात्मा की नज़र में हम स्मार्ट हों, दिव्य हों और श्रेष्ठ धारणा युक्त हों, क्या चाहते हैं आप। फिर परमात्मा कहते हैं
नहीं तो साधारण बुद्धि, नहीं तो साधारण बुद्धि हो जाएगी। कर्म भी साधारण, जैसे दुनिया वाले कर्म करते हैं, कभी अहंकार में गुस्से में आकर करते हैं, ऑर्डर देके कर्म करते हैं, या किसी को आप धमकी देके कर्म करते हो या करवाते हो, वो तो साधारण बुद्धि हो गई। बिल्कुल साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं, है ना। फिर बाबा कहते हैं तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, कि औरों को देख करके वो साधारण कर्म करते हैं, हम भी साधारण कर्म करें, कुछ अलग करके दिखाना है। और वो अलग क्या है, बाबा कहते हैं लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो, श्रेष्ठ कर्म हो, श्रेष्ठ धर्म अनुसार हो, श्रेष्ठ धारणा अनुसार हो, आप मधुरता से कर्म करें। और साधारण लोग क्रोध करके कर्म करवाते हैं या अहंकार में कर्म करते हैं, आप बिल्कुल श्रेष्ठता में, रॉयल्टी में कर्म करें, आप नम्रता में आकर के कर्म करें और सहनशीलता में आकर कर्म करें, वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो, तभी जाकर के आप धार्मिक कहलाएंगे, नहीं तो आप धार्मिक नहीं हैं। चाहे जितना पाठ पूजा कर लें, जितना आप तीर्थ कर लें, जितना आप धन संपत्ति आप दान करें, लेकिन परमात्मा कहते हैं दान तो बुराइयों को करना है और अपनाना क्या है, गुणों को और शक्तियों को। तो आज का ये वरदान, ईश्वर वरदान, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।